अभी करीब मुझे 3-4 बार वो रिले निकाल के वापस डालने पड़ी है, एंड बैटरी का टर्मिनल वो जो ब्लैक वाला होता है उसको निकाल के वापस डालना पड़ा है, तब जाके गाड़ी फाइनली स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए गाड़ी अभी इस समय ऑफ है, बिल्कुल इग्निशन वगैरह ऑफ है। अभी मैं इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए गाड़ी अभी ऑन कंडीशन में आ गई है, अभी सेल्फ मारूँगा। ये देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी और ये दिक्कत आ गई है। पहले तो ये गाड़ी ये प्रॉब्लम बहुत रेयर था, कभी कभी आ रहा था, लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम हर दूसरे दिन में आ रहा है गाड़ी के। एंड जब शोरूम में मैं सर्विस सेंटर वालों को कॉल करता हूँ या उन्हें प्रॉब्लम बताता हूँ या गाड़ी भी मैं लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे जब ये दिक्कत नहीं आती है तो वो लोग कहते हैं सर हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे प्रेजेंस में नहीं आ रही है। एंड जब मैं उनको वीडियो भी दिखाता हूँ तो वो कहते हैं सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं फिर से एक बार गाड़ी को ऑफ़ कर दिया हूँ, एंड देखिए गाड़ी को फिर से ऑन करूँगा। देखिए कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी कुछ नहीं है भाई गाड़ी में। देखिए अभी ये आया इग्निशन, एंड अभी फिर से जब मैं देखिए ये माल फंक्शन के लाइट्स आ गए हैं। और मैंने यूट्यूब पे जब वीडियोस देखा तो उन्होंने कहा था कि इसकी कुछ रिले वगैरह है सामने की, वो निकाल के डालने से आ जाती है। तो वो देखिए अब मैं हर दूसरे दिन तो वो नहीं कर सकता रिले वापस निकाल के वापस डालूँ, उससे हाँ उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, बट ये सर्विस सेंटर वाले भी समझते नहीं हैं इस बात को। देखिए बिल्कुल गाड़ी देखिए पूरी शेक होके स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी फिर से, एंड ये दिक्कत फिर से आ गई है गाड़ी में। तो चलिए अभी मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ जो कि मैंने वीडियो यूट्यूब पे ही देखा था। तो सबसे पहले हम बोनट खोल लेंगे गाड़ी का। तो अभी हम इसका ओपन कर लेते हैं बोनट। पहले ये बहुत रेयर था, महीने में एक आध बार आ जाता था, लेकिन अभी हर दूसरे दिन ये दिक्कत आ रही है। एंड बार बार मुझे ये रिले, देखिए मैं इतनी बार इसको खोल चुका हूँ कि मैं ये भी ये निकाल निकाल दिया हूँ वहाँ का जो नट होता है। तो सिंपल है, इस रिले को अभी हम निकालेंगे, पुल करेंगे बाहर। देखिए इतना टाइटली है गाइस, फाइनली अभी ये रिले मेरे हाथ में आ चुकी है, ये देख सकते हैं अभी ये काफ़ी गर्म भी हो चुका है, आई कैन फील इट। ये कोई भी रिले से उतने गर्म नहीं है जितना कि ये गर्म है। तो चलिए पता नहीं, देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। एंड अभी हम गाड़ी का सेल्फ मार के देखते हैं राइट अवे। अभी देखिए अभी गाड़ी का मैं स्टार्ट करूँगा, अभी देखिए फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है गाड़ी का। अभी देखिए ये लाइव आप देख सकते हैं आपके सामने है बिल्कुल, ये अभी कुछ नहीं हो रहा गाड़ी में। अभी देखिए अभी अभी ट्राई करते हैं शायद इस बार हो जाए। नो, गाड़ी देख रहे हैं भाई कोई स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। ये देखिए तो और एक दूसरा तरीका है, उसमें यह था कि अपने वो गाड़ी के जो टर्मिनल, अभी दूसरा तरीका ये है कि हम के जो बैटरी का टर्मिनल है वो निकाल के फिर से वापस लगाना है हमको। तो ये वाला ब्लैक वाला जो टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी हमने इसका ये टर्मिनल भी निकाल दिया है। अभी उस वीडियो में ऐसा था कि 10 सेकंड के लिए हमको नहीं लगाना है, तो 10 सेकंड के लिए हम नहीं लगाते हैं इसको। तो चलिए अभी 10 सेकंड के बाद फिर से हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, मैं फ़ोन साइड में रख देता हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको लगा दिया है वापस से। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं स्टार्ट करने के लिए। देखिए गाड़ी को अभी ये देखिए अभी पूरा ECU का रीसेटिंग हो गया होगा। अभी इस बार तो डेफिनेटली गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए। क्या भाई, मतलब
गाड़ी को देख सकते हैं अभी, अभी ये देखिए अभी तो गाड़ी बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए देख सकते हैं आप लोग ऐसे कुछ हालत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी कॉल करता हूँ रेनो वालों को, देखता हूँ अभी कुछ वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। मैं आगे आपको, मैं इसमें आपको आगे अपडेट करूँगा। एंड इसके ऊपर मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाई थी लेकिन तब वो प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थी इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अभी शायद सोचने की बात है ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा यहाँ तक तो लाइक भी कर लीजिएगा। एंड दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नीचे कमेंट्स में आपके सजेशंस ज़रूर मुझे दीजिएगा। तो दोस्तों अभी करीब मुझे 3-4 बार वो रिले निकाल के वापस डालने पड़ी है एंड बैटरी का टर्मिनल वो जो ब्लैक वाला होता है उसको निकाल के वापस डालना पड़ा है, तब जाके गाड़ी फाइनली स्टार्ट हुई है। एंड अभी हम इसको एक स्पिन के लिए लेके जाएंगे ताकि बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो गए, जो इतनी ड्रेन हुई है अभी इतने सारे अटेम्प्ट करने में, बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाए हमारी।